हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। और हम लोग आज देखेंगे 10 जीके के प्रश्न। अगर आप लोगों को इसमें से जितना भी क्वेश्चन का आंसर आता है, आप लोग कृपया क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर टाइप करें। प्रश्न नंबर 1 में है, भारतीय महिला दिवस किसकी याद में मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर ए महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर सी प्रतिभा देवी, ऑप्शन नंबर डी मदर टेरेसा। दोस्तों, अगर आपको यह क्वेश्चन का आंसर आता है और पहले से जानते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आंसर लिखें। और इसका सही आंसर होगा बी सरोजिनी नायडू। क्वेश्चन नंबर 2 में है, नेत्रदान में आँख का कौन सा भाग दान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए रेटिना, ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया, ऑप्शन नंबर सी पूरी आँख, ऑप्शन नंबर डी लेंस। तो अगर आपको पहले से आंसर पता है तो कमेंट में ज़रूर टाइप करें। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी कॉर्निया। क्वेश्चन नंबर 3 में है, प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु क्या है? ऑप्शन नंबर ए 21 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर सी 30 वर्ष, ऑप्शन नंबर डी 35 वर्ष। आप इसका कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप जरूर करें। और इसका सही आंसर होगा 25 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4 में है, एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत की राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 3 बार, ऑप्शन नंबर डी कई बार। तो इसका सही आंसर होगा भारत में राष्ट्रपति कई बार भी बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में है, हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? ऑप्शन नंबर ए जॉन्डिस, ऑप्शन नंबर बी हीमोफीलिया, ऑप्शन नंबर सी एनीमिया, ऑप्शन नंबर डी एस्कर्वी। इसका भी आप लोग कमेंट में आंसर ज़रूर लिखिएगा। और इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एनीमिया। क्वेश्चन नंबर 6 में है, विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष किस तिथि को मनाई जाती है? ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 24 मार्च, ऑप्शन नंबर सी 12 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 22 मार्च। तो इसका आप लोग भी क्वेश्चन का आंसर ज़रूर टाइप कीजिएगा। और सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 22 मार्च। क्वेश्चन नंबर 7 में है, अमेरिका में एक व्यक्ति अधिकतम कितनी बार राष्ट्रपति बन सकता है? ऑप्शन नंबर ए 1 बार, ऑप्शन नंबर बी 2 बार, ऑप्शन नंबर सी 12 बार, ऑप्शन नंबर डी कई बार। तो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 2 बार। क्वेश्चन नंबर 8 में है, दुनिया में सबसे छोटा संविधान किस देश का है? ऑप्शन नंबर ए भारत का, ऑप्शन नंबर बी नेपाल का, ऑप्शन नंबर सी मोनाको का, ऑप्शन नंबर डी अमेरिका का। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी मोनाको का। दुनिया का सबसे छोटा संविधान मोनाको देश का ही है और इसका राजधानी मोनाको ही है। क्वेश्चन नंबर 9 में है, भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य में दूध अधिक उत्पादित होता है? ऑप्शन नंबर ए बिहार राज्य, ऑप्शन नंबर बी पंजाब, ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी केरल। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। तो आज का लास्ट आखिरी सवाल है क्वेश्चन नंबर 10, भारत के प्रथम बोलती फिल्म कौन सा है?
ऑप्शन नंबर ए राजा हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर बी आलम आड़ा, ऑप्शन नंबर सी हम लोग, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा आलम आड़ा, ऑप्शन नंबर बी, जो कि भारत की प्रथम बोलती फिल्म है। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको क्वेश्चन के बारे में बता दिए हैं, और अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करें। और अगर इसका पीडीएफ चाहते हैं तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसमें डाउनलोड कर लें। तो चलिए, हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं फिर।